और इसी बीच एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा रद्द हुआ। अहम जानकारी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने से करनी थी मुलाकात। सीएम मनोहर लाल को गुरुग्राम से दिल्ली जाना था। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होनी थी, लेकिन सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। अहम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करनी थी, साथ ही जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने वाले थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लेकिन उनका दिल्ली दौरा रद्द हो गया है। अहम जानकारी हम अब तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा रद्द। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करनी थी मुलाकात। सीएम मनोहर लाल को गुरुग्राम से दिल्ली जाना था। कई केंद्रीय मंत्रियों से होनी थी सीएम की मुलाकात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा रद्द। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक शर्मा जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, दिल्ली दौरा रद्द हो गया है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हैं, कल गुरुग्राम पहुंचे थे और आज दिल्ली का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करनी थी और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री से भी मिलने का समय मांगा गया था। हालांकि गृह मंत्री का समय अभी तय नहीं था, लेकिन जेपी नड्डा से मुलाकात करनी थी जिसके चलते मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे थे, लेकिन अब उनका कार्यक्रम ये फिलहाल स्थगित करना पड़ा, रद्द करना पड़ा है। रद्द करने का कारण बताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका समय की व्यस्तता के चलते, अन्य कार्यक्रमों के चलते फिलहाल मुलाकात अभी नहीं, आज नहीं हो रही, तो इसके चलते मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम, दिल्ली का जो कार्यक्रम है वो रद्द हो गया। अभी मुख्यमंत्री गुरुग्राम में ही मौजूद है। हालांकि उनको दोपहर बाद उनको जगाधरी यमुनानगर जाना था दिल्ली से, लेकिन अब गुरुग्राम से यमुनानगर जगाधरी जाने का कार्यक्रम को लेकर के भी अभी विचार किया जा रहा है। संभवतः उस कार्यक्रम को लेकर के भी कुछ देर के बाद तय किया जाएगा कि जगाधरी भी जाएंगे या नहीं, क्योंकि जगाधरी यमुनानगर में भी बार एसोसिएशन के साथ उनकी बैठक थी, वकीलों के साथ बैठक थी। फिलहाल दिल्ली का कार्यक्रम रद्द हुआ है। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने आना था और 11 बजे उनकी बैठक थी, जो कि फिलहाल रद्द हो गई है। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले गुरुग्राम दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सिर्फ पोस्टर लगाने का शौक है, उनसे अगर दिल्ली नहीं संभल रही है तो वो हमें दिल्ली दे दें, हम दिल्ली को हर समस्या से निदान करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरफ से दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार को, खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को विज्ञापन का एक शौक है कि किस बात में मैं अपना विज्ञापित होकर के अपनी प्रशंसा अपने आप प्राप्त करूं। पानी के नाते से जितना पानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमने देना है, पूरा पानी दिया जा रहा, एक बूंद कम नहीं दिया जा रहा। भले ही हरियाणा को कठिनाई बहुत आ रही है, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो हरियाणा की भी दिल्ली से कम नहीं है। मुख्य रूप से पीने का पानी, जहाँ हरियाणा को 2,90,00,000 की आबादी है, दिल्ली की मात्र 2 करोड़ है, हमें उससे 1.5 गुना पानी चाहिए, फिर भी हमारे पास 2000 यानी क्यूसेक पानी यमुना में से हमको मिलता है, 1050 क्यूसेक पानी उनको हम देते हैं। जो हाल ऑक्सीजन का उन्होंने हमारे साथ किया, आपको पता है कि उनकी 2 करोड़ आबादी, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेकर के आगे कि 700 मीट्रिक टन हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमें मात्र 2,90,00,000 की आबादी होते हुए 282 मीट्रिक टन मिला। हमारे यहाँ उनके पेशेंट ज्यादा थे, उनसे हॉस्पिटल कहीं ज्यादा है, एरिया उनसे ज्यादा है, दिल्ली के लोग भी इलाज कराने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ये तो हमने अपने सिस्टम से उसको सुधार करके मॉनिटरिंग करने के बाद हर पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की जरूरत थी उसको ऑक्सीजन पहुंचाई। और दिल्ली वाले जिस प्रकार से उस ऑक्सीजन को इकट्ठा करने में लग गए, उनको मानवता का भी ध्यान नहीं रहा कि जहां आवश्यकता वहां पहले भेजी जाए। आखिर दिल्ली और हरियाणा कोई अलग तो नहीं, हम पड़ोस के थे, पड़ोस में उनको ध्यान करना चाहिए था कि हम किसका कोटा काट के ले जा रहे हैं। हरियाणा की ऑक्सीजन को दिल्ली में लेके गए और दिल्ली में आवश्यकता नहीं, हमारे पास ये भी जानकारियां हैं। उन्होंने कंपनियों को कहा कि हमारा जो स्टोर कर लीजिए, स्टॉक कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे, तो बफर स्टॉक जमा करने के लिए लेके गए। उनको हर चीज चाहे, प्रदूषण है तो भी हरियाणा के ऊपर बंडाफोड़ करते हैं। ये सब इन्होंने अपनी क्रिएट की हुई बातें हैं सारी। और कोई भी चीज जब समझ में नहीं आए तो इसका दोष हरियाणा पर, कोई बात समझ में नहीं आए हरियाणा पर, अरे नहीं दिल्ली संभलती, हरियाणा को दे दो, हम दिल्ली को भी संभाल लेंगे।